सेटअप है, इन्होंने कितनी जबरदस्त तरतीब से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हम आज फिर हाजिर हो गए हैं जी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके कुछ नए दोस्तों के साथ। आज हम मौजूद हैं फतेह जंग के इलाका मीरवाल में। यहाँ पर आपको शौक दिखाएंगे कुछ घोड़ों का, नेजाबाजी वाले घोड़े इन भाई ने रखे हुए हैं और बड़े अच्छे जानवर रखे हुए हैं जिसमें भैंसें और गाय वगैरह कहते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन गाय है। इनका मुर्गियों का बहुत अच्छा सेटअप है, आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा वो जो शेड बना हुआ है मेरे पीछे सारा वो मुर्गियों का है। इनके पास मुर्गियाँ हैं जो अंडे देने वाली हैं वो बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह। तो आज हम आपको ये सारा सेटअप दिखाएंगे इनका, कुछ घोड़े की सवारी करने की भी कोशिश करेंगे, वो सवारी भी आपको दिखाएंगे और भाई से काफ़ी जो कुछ हो सका इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आपको लेके देंगे। बात करते हैं जी। तो भाई हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे अबू बकर नाम है इनका, रावलपिंडी में इनकी रिहाइश है। पकड़ के लेके आए हैं हमारे साथ के आए हैं, हमने इनको थोड़ी सी तकलीफ़ दी, हमने कहा जी आपके डेरे पे जाएंगे और आपके जानवर वगैरह दिखाएंगे, हमारे देखने वालों को वीडियो उनकी बनाएंगे। तो हमारे साथ हैं आज मौजूद इनका। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने कीमती वक्त में से इन्होंने हमें टाइम दिया। तो अबू बकर भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई हमारे देखने वालों को ये बताएं कि घोड़े कौन सी नस्ल के आपके पास हैं? सर ये सब देसी नस्ल के घोड़े हैं माशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी। तो इनकी कुछ की जो है वो उम्र 4 साल है, कुछ की उम्र 5 साल है। ठीक है। इसी तरह ये कौन सा है? सबसे पहले हम इस घोड़े की बात करते हैं, ये देसी नस्ल में ही? ये देसी नस्ल में। इसकी उम्र कितनी है? इस घोड़े की उम्र 3 साल है। 3 साल। और ये नेजाबाजी करते हैं? नेजाबाजी वाली चीज। ठीक है। इसके बाद फिर उस घोड़े पे चलते हैं, वो घोड़े की उम्र 6 साल है, वो नेजाबाजी का है और वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। तो ये पाकिस्तान में से ही आपने लिया या इंपोर्ट? अच्छा यहीं पे इसकी ब्रीड हुई है। और फिर वो जो आगे सबसे व्हाइट वाला तैयार हुआ है देसी घोड़ा है। ठीक है। उसकी उम्र तकरीबन कोई 8 साल है। 8 साल है। हाँ जी ठीक है। वो भी नेजाबाजी करते हैं। ठीक है। और फिर वो जो सबसे एंड में आ रहा है वो हम आपको आगे जाके दिखाते हैं, उसके बारे में बताइएगा उसकी कितनी उम्र है? उसकी उम्र तकरीबन कोई 6 साल है। अच्छा। हाँ जी। और वो हमारे पास सबसे अच्छा और सबसे जो है वो बेहतरीन घोड़ा है और सबसे खतरनाक भी है। खतरनाक भी। उन्होंने इनके नाम रखे हैं? हाँ जी रखे हैं। क्या नाम है इसका? नाम बताएं। इसका नाम है जी प्रिंस। ठीक है। उसका नाम है मार्शल और उसका नाम है सुल्तान और जो आखिरी वाला ब्लैक उसका ब्लैक ब्यूटी नाम है। अच्छा व्हाइट वाले का नाम है सुल्तान। हाँ जी। और ब्लैक का ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल सवारी करेंगे इस व्हाइट वाले पे, सुल्तान पे सवारी करेंगे। आपको दिखाते हैं जी आगे हम सवारी करेंगे इंशाल्लाह, हमारे भाई भी करेंगे और हम इनसे थोड़ी सी टिप्स भी लेंगे सवारी की। तो फिलहाल चलते हैं हम अपने दूसरे जानवरों की तरफ, आपको गाय भैंस का जरा शौक कराते हैं। बकर भाई ये जो आपका शौक है ये गाय भैंस का, तो ये कौन कौन सी नस्ल के आपने रखे हैं? ऑस्ट्रेलियन नस्ल भी और कुछ देसी नस्ल भी हैं इनमें। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन नस्ल में ये जो उनसे जानवर हैं इनकी कितनी उम्र होगी? ये बच्चे हैं इनकी तकरीबन कोई 13-14 महीने के बच्चे हैं। तो ये सब नर हैं या मादियां भी हैं इनमें? इनमें एक नर है और बाकी सारी मादियां हैं। बाकी सारी मादियां। अच्छा तो ये जो इनका दूध वगैरह निकालते हैं ये आप सेल करते हैं या खुद यूज करते हैं? अपने यूज के लिए। ठीक है। और ये मुर्गियों का जो सेटअप पीछे नजर आ रहा है इसकी कोई थोड़ा सा हिस्ट्री बताएं, ये आपको शौक कहाँ से हुआ है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेके चल रहे हैं इसको या क्या इसकी कोई डिटेल है? बस ये जैसे कि शौक होता है तो वैसे ही शौक है मेरे मामू को। अच्छा। तो उन्होंने रखी है वे सब। अच्छा अच्छा जी। तो ये मुर्गियाँ कौन सी हैं, ये जो हम लोग आम मार्केट में खाते हैं जो शेवर मुर्गी जिसको कहते हैं जो मार्केट, ये वो मुर्गी है या देसी मुर्गी है, फैंसी है, इसके बारे में बताएं प्लीज। ये जो शेवर मुर्गी जो ना मार्केट में आप लोग खाते हैं। ठीक है। वही है। और ये अंडे दे रही है? हाँ जी अंडे दे रही है। आप गोश्त का काम कर रहे हैं या अंडों का काम? अंडों का काम कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि आप इसके रोजाना अंडे लेके वो मार्केट में सेल कर रहे हैं? हाँ जी। और गोश्त फिर इनका क्या होता है, इनका पीरियड कितना होता है कि ये आपको कब तक प्रोडक्शन देते रहते हैं? ये 1 ईयर। 1 साल तक। हाँ जी। उसके बाद फिर इन मुर्गियों का क्या होता है? सेल कर देते हैं। ये सेल कर देते हैं फिर नया सारा स्टॉक आता है? स्टॉक। तो वो आप बच्चा लाते हैं या बड़ा लाते हैं? बच्चा। अच्छा ये जो मुर्गी आप लेके आते हैं, जो बच्चा लेके आते हैं, तो वो बच्चा कितने अरसे में तैयार हो जाता है दोबारा अंडे देने के लिए? तकरीबन 4 महीनों में हो जाता है। 4 महीनों में तैयार। 4 महीने में उसको तैयारी में लगते हैं और फिर तकरीबन 8 महीने वो आपको अंडे देती रहती है। हाँ जी ठीक है। और फिर अंडे साथ साथ आप रोजाना इसके वो सेल आउट करते रहते हैं। तो इनकी देखभाल के लिए कोई आपने डॉक्टर वगैरह भी यहाँ पे रखे हैं? दो डॉक्टर रखे हैं। ठीक है। वो सिर्फ मुर्गियों को देखते हैं या बाकी आपके जानवर और घोड़ों को भी देखते हैं? नहीं मुर्गियों को सिर्फ सिर्फ मुर्गियों के लिए। तो इन जानवरों की देखभाल के लिए जो वही हैं वो खुद ही मतलब इनका इलाज वगैरह अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी वगैरह आ जाए खुद ही करते हैं वो? खुद ही करते हैं। ठीक है। अच्छा कुछ घोड़ियाँ भी रखी हुई हैं भाई ने, तो घोड़ियाँ कुछ उन्होंने बच्चे भी दिए हैं तो आपको वो भी दिखाते हैं जी। अबू बकर भाई थोड़ा सा इसका बताएं, ये जी घोड़ी है इनके पास माशाल्लाह। अबू बकर भाई ये कितनी एज है इसकी? इसकी तकरीबन 4 ईयर है। 4 साल की होगी माशाल्लाह। तो ये किसकी, अभी आप बता रहे थे कोई घोड़ी क्रॉस भी करवाई हुई है आपने ब्लैक वाले घोड़े से, उसका नाम क्या बताया था? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। ये उससे क्रॉस हुई है? हाँ जी। तो ये कितना पीरियड इसका अभी टाइम रहता है बच्चा देने के लिए? 7 मंथ। अच्छा 7 महीने अभी नहीं मतलब कुछ टाइम हुआ क्रॉस हुए? ठीक ठीक ठीक। माशाल्लाह बहुत अच्छी हाइट और अच्छी लेंथ में घोड़ी है, अच्छी सेहतमंद है माशाल्लाह। अच्छा बकर भाई ये बताइएगा, ये भी माशाल्लाह घोड़ियाँ आपके पास, तो इनकी सबसे पहले उसकी अगर बताएं तो कितनी एज है उसकी? उसकी 2 ईयर है। 2 साल। और इसकी? इसकी 4 ईयर। अच्छा ये 4 साल की है लेकिन नज़र तो वो बड़ी आती है।
बस हाइट का थोड़ा फर्क है। ठीक है, और ये तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा नजर आता है, इसकी कितनी एज है? ये तकरीबन 12 या 13 मंथ्स की है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा ये मुझे बताइएगा जरा देखने वालों को कि ये घोड़े की कितनी उम्र होती है, तो इन पे आप घुड़सवारी शुरू करते हैं कितनी एज तक इनको तैयार करने के लिए आप करते हैं? ये तकरीबन 3 साल के जब हो जाते हैं ना घोड़े, इनको फिर हम ट्रेनिंग दे देते हैं। ट्रेनिंग यहीं पे देते हैं? कोई आप लोग खुद करते हैं या ट्रेनर रखा हुआ है, किस तरह से? कोई राइडर्स वगैरह होते हैं और कुछ खुद भी करते हैं। आप कोई घोड़े सेल भी करते हैं या नहीं, अपने लिए रखे? अपने लिए रखते हैं। तो घोड़ों का आपने शौक देखा है जी, अब चलते हैं हम जरा मुर्गियों की तरफ, थोड़ा सा आपको वो भी दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेटअप है इनका, मुर्गियों का काफी बड़ी तादाद है, आपको देखेंगे तो मजा आएगा। चलते हैं हम मुर्गियों की तरफ। जी तो हम फार्म के अंदर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम फार्म के बीचों बीच खड़े हैं और काफ़ी सारी मुर्गियां मेरे पीछे भी हैं, और इस तरह भी अगर कैमरामैन जरा घुमा के दिखाए तो एक माशाल्लाह काफ़ी बड़ा जो सा ना सेटअप है इनका ये मुर्गी का। तो हमारे साथ भाई मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद रियाज है। रियाज भी कैसे हैं आप? जी अल्लाह ठीक है। आप यहाँ पे किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? मैं सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर? अच्छा, पोल्ट्री सुपरवाइजर। रियाज भाई मुझे ये बताएं कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें मुर्गियों के बारे में, ये सब अंडे देने वाली मुर्गियां हैं तो ये कितनी तादाद में होंगी? ये सर लेयर मुर्गी है, लेयर मुर्गी में अपनी नस्लें होती है। ठीक है। ये W36 का नस्ल है जो ठीक है, जो ना बेहतरीन अंडे देने वाली मुर्गी है जी। सही है। तो 95, 96, 94% ये जो ना पीक पे अंडे दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये आप बच्चे लेके आते हैं या अंडे हैच कराते हैं, क्या तरीका है? ये बच्चा आता है, ये छोटा चूजा वन डे, एक दिन का चूजा, एक दिन का चूजा होता है। अच्छा जी, हाँ जी। तो फिर ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये सर इसका तकरीबन 4 महीने लग जाता है, 5 महीने में तकरीबन इनका जो है ना वो हो जाता है अंडे देने के काबिल हो जाते हैं। काबिल हो जाती है और इसका जो है ना कमाई शुरू हो जाती है। अच्छा, 5-6 महीने के बाद? जी जी। फिर तकरीबन 3.5 महीने में जो इसके ऊपर अखराजात होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है। ऊपर से जो है ना इसमें अपने फीड अपना खर्चा निकालना होता है और बचत, फिर बचत होती है जो वो इन द एंड होती है। सर सिंगल जर्दी और डबल जर्दी का आज की क्या चक्कर होता है? सर ये लाइट्स की जो है ना वो होती है, शुरू में जो है ना इसमें एनर्जी जो मुर्गी के जिसमें ताकत होता है ना, ठीक है, तो एक तो वो बात और दूसरी बात इनकी फीड है और लाइट्स जो है ना लाइट की वजह से ये थोड़ा ज्यादा देती है। मिसाल के लाइट से मुराद ये रोशनी की बात कर रहे हैं? ये रोशनी इसको 16 घंटे लाइट देनी होती है नेचुरल, और सारा कुछ मिला के ना सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक 16 घंटे इनको लाइट देना होता है, जिनके लक्स तकरीबन 50 लक्स होता है। अच्छा, जरूरी है प्रोडक्शन के लिए इनको देना। इनकी बीमारियों के बारे में आपका क्या कोई एक्सपीरियंस है इनको किस? बिल्कुल सर, ये है कि इसके इसको रखने के लिए आम बंदे का काम तो नहीं होता, सुपरवाइजर के पास कोई डिग्री नहीं होती या कोई इस तरह सनद नहीं होता है। ये सुपरवाइजर तकरीबन अपनी एक्सपीरियंस की वजह से निकल जाता है। ठीक है। अगर वो डॉक्टर को समझे, डॉक्टर डिग्री करके निकलता है, फिर डॉक्टर को भी इस काम में प्रैक्टिकल की वो जरूरत होती है। बिल्कुल। तो सुपरवाइजर जो होता है, सुपरवाइजर यानी लेबर में बढ़ते हो के वो आगे निकल जाए अपनी एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि करोड़ों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल इसको संभालना, इसकी मैनेजमेंट, इसकी जो है ना डिजीज वगैरह हर किस्म का जो है ना वो जाहिर है जी सुपरवाइजर को तजुर्बा होता है, और आम बंदा जो है ना इसमें अगर करे भी तो नुकसान हो जा रहा है आम बंदे के काम। मैंने क्योंकि सुना है ना कि मुर्गियों के फार्म में जो लोग फार्म बनाते हैं उसमें काफी रिस्क होता है, रिस्क तो लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, जाहिर है वो तो कोई भी कारोबार है आपको पता है रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही कोई नाजुक किस्म का कारोबार लगता है मुझे, क्योंकि मुर्गी का चूजा जो है काफी छोटा और उसकी काफी केयर की जाती है। तो आप वैसे अब क्या कहते हैं कि ये कारोबार इंसान को करना चाहिए? कोई बेहतरीन कारोबार है, तकरीबन 5-6 साल से जो है ना पोल्ट्री के हालात थोड़ा डाउन है। अच्छा, इस महंगाई की वजह से अगर हम हर तरफ सोचे तो महंगाई इसका असर इसके ऊपर भी पड़ जाता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेटअप है और बड़ा जबरदस्त, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ अंदर खड़ा होके, तरह तरह की मुर्गियाँ, ब्रीड तो एक तरह की है लेकिन बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है। और अंडे देने के लिए अगर कैमरामैन हमारा दिखाए, सामने बॉक्सेस बने हुए हैं इनके, ये मुर्गियाँ उसमें जाती हैं बारी बारी, वहाँ जाके अंडे देती हैं। सर ये होता है कि हमारे पास मेहमान आए थे ना, ठीक है, यानी हमारे लिए तो एक देखा हुआ काम है, ठीक है, हमने किया, मेहमान आए थे तो उन्होंने कहा जी मुर्गी इसको कैसे पता लगता है ऊपर जाके इसमें अंडा देना, बिल्कुल, तो वैसे शुगल में मैंने उनको कहा कि इसको लिखाना पढ़ाना पड़ता है, लिखाना पढ़ाना पड़ता है, लिखी पड़ी मुर्गी है, सही है। तो हैरान हो गए ना, आलम की ये होता है कि नेचुरली एक दिन का जब चूजा आ जाता है उसको पता लगता है कि वो ड्रिंक करे, उधर हमने पानी पीना है, तकरीबन 6 घंटे में इनको पानी खुराक के फीडर का ड्रिंकर का पता चल जाता है। तो इसी तरह की अगर इन्हें इधर रहना है तो ये
फर्श पे अंडा नहीं देती, फर्श पे नहीं, नेस्ट नेस्ट के अंदर ही अंडा देती। एक नेस्ट के खाने में, खाने में 15-15 अंडा अगर पड़ा भी हो, अल्लाह का शुक्र टूटता नहीं है वो, मतलब अपने, लेकिन नीचे नहीं अंडे देती। अच्छा, मैंने कुछ फॉर्म्स में ये देखा है कि लोग जिन्होंने अंडों वाली मुर्गियां रखी हुई हैं वो लोग नीचे जमीन से अंडे उठा रहे होते हैं ना सर। तो आपका तो माशाल्लाह मुझे सेटअप ऐसा नजर आ रहा है कि कोई भी अंडा आपकी जमीन पे नहीं पड़ा, सारे आपके इस पे नेस्ट है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मालिकान ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ा है। जो चीज हमने डिमांड की है जी नेस्ट है, प्रॉपर तरीके से इसको नेस्ट लगता है। अगर नेस्ट मौजूद ना हो जाहिर है मुर्गी ने नीचे अंडा देना होता है। ये ड्रिंकर आप देखें जिसमें ये मुर्गी पानी पीती है जी, इसमें बेहतरीन इसका पानी का, हाँ ये ड्रिंकर सर। अच्छा, ये इसमें दाना डालने वाली चीज़ है, बर्तन है ये सर, फीडर होता है ये, फीडर होता है। अगर ये ड्रिंकर आप देखें कि बेहतरीन किस्म का जो है ना इसमें पानी का लेवल है, ठीक है, तो हर मुर्गी अगर मिसाल के तौर पर ये प्रॉपर तरीके से न लगी, कम हिसाब से लगा हो, तो अभी इस मुर्गी इस डंकर के ऊपर आपको मुर्गी का रश नजर आया, रश नजर आया नहीं नजर आता जी, बिल्कुल प्रॉपर, यानी इसको तकरीबन 100 बर्ड्स के पीछे एक डंकर लगा। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफी मुफीद इन्फॉर्मेशन हमें दी है, हमारे देखने वालों को काफी इंजॉय करेंगे वीडियो को इंशाल्लाह। तो मुर्गियों का सेटअप देखा आपने माशाल्लाह, रियाज साहब ने हमें काफी मालूमात दी है मुर्गियों के बारे में। तो चलते हैं हम अपना बाहर चलते हैं हम घोड़ों की तरफ, और उस पर फिर ये कि अपने करते हैं थोड़ी सी सवारी, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये है जी वो जादुई कमरा जिसमें मुर्गियों के सारे अंडे मौजूद हैं। माशाल्लाह 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 ज़रूर बोलिएगा, कितना खूबसूरत माशाल्लाह इनका सेटअप है, इन्होंने कितनी ज़बरदस्त तरतीब से इसको रखा हुआ है सीक्वेंस में। अभी ये काफ़ी कम है क्योंकि काफ़ी सारे अंडे सुबह जा चुके हैं, तो मुर्गियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जितनी तादाद है मुर्गियों की, ये रोज़ा ये सिर्फ आज के अंडे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने अंडे जो उनसे रोज़ाना इनको मिलते होंगे जी। तो हम लोग मौजूद हैं इस टाइम, जो आपने नीचे मुर्गियों का शेड देखा उसके छत पे मौजूद हैं। यहाँ पे आके शूट करने का मकसद ये था कि मैं आपको ये सारी पीछे लोकेशन दिखाना चाहता था। माशाल्लाह आप देखें कितना खूबसूरत मंजर है, कितना ज़बरदस्त, मतलब कि मुझे तो बहुत, मेरा फेवरेट यही है, लोकेशन ये है, तो बहुत ही अच्छा, सब सारी तरफ सब्जा लगा हुआ है और बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह माहौल है। तो मुर्गियों का तो हो गया कवर, तो अभी हमारा वो भाई घोड़े पे हमारा वेट कर रहा है, वो खुद सवारी कर रहा है, तो हम चलते हैं उस तरफ, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, तो फिर घोड़े की तरफ चलते हैं और आपको घोड़े सवारी। देखें जी अबू बकर भाई घोड़े पर सवार हैं और घोड़े की चाल देखें कितनी खूबसूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। घोड़ा फुल अपनी मस्ती में है, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इसको कहते हैं शौक शौक, आप देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखिए जी आज एक नए घोड़े पे हम सवार हैं, जी तो आपने देखा शौक अबू बकर भाई का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फार्म हाउस बना हुआ है। घोड़ों की आप क्वालिटी देखें माशाल्लाह, कितना खूबसूरत घोड़ा है। सबसे मेरा फेवरेट घोड़ा तो इनके फार्म हाउस पे ये है, लेकिन वो ख़तरनाक भी उतना ज़्यादा ही है, इस वजह से हम सवारी नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो थोड़ी थोड़ी देर बाद छेड़ती रहे कि नई वीडियो आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।